एक लाइन कहना चाहूंगा, सफलता के लिए उम्मीद और विश्वास दोनों पक्के होने चाहिए। बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री यूनिट 6 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन के वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इस साल आने वाले हैं आज मैं करवाने वाला हूं आप लोगों को। ओनली 20 MCQ और पूरी की पूरी यूनिट फिनिश, इससे बाहर कुछ नहीं। ऐसे मान के चलो यही 20 MCQ है जिनसे इस यूनिट से कोई ना कोई क्वेश्चन फंसेगा। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है यार, इनको तो छोड़ना नहीं है किसी भी कीमत पे। चलिए साहब मैं स्टार्ट कर देता हूं बिना टाइम गवाए। देखो यूनिट 6 है हमारी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। चलिए साहब, जिन लोगों के थ्योरी वाइज हैं, मेरा ये मानना है कि उन लोगों ने थ्योरी पढ़ रखी होगी इसकी और वो थ्योरी वाइज एग्जाम देखा मैं बढ़िया करके, ठीक है। चलिए साहब क्वेश्चन में पहला लेता हूं। देखो निम्न में से कौन सा कम क्षारीय है, निम्न में से कौन सा कम क्षारकीय है, एनिलीन, पैरानाइट्रोएनिलीन, अमोनिया या ट्राइमेथिलेमीन? क्या मानना है आपको? ट्राइमेथिलेमीन है, लग रहा है ना? अबे तीन तीन मेथिल ग्रुप मिलके जब नाइट्रोजन एटम के लोन पेयर पे क्या लगाते हैं, रिपल्सन फोर्स लगाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी बाहर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन जाते नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं जाते हैं? घिच पिच हो जाती है, घिच पिच। तीनों के तीनों मेथिल ग्रुप नाइट्रोजन एटम के लोन पेयर को घेरे हुए होते हैं। अब थ्योरी पढ़ी नहीं है आप लोगों ने यार। चलिए साहब, इसका राइट आंसर है एनिलीन। क्या राइट आंसर है? एनिलीन इसका राइट आंसर है, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना भैया, जो ये तुम्हारे पास एनिलीन है ये इसका राइट आंसर है, C6H5NH2, 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 जो नाइट्रोजन एटम पर लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, ये जो फेनिल समूह होता है इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता रहता है, यानी कि बाहर जाने को धक्का नहीं देता है, जिसकी वजह से ये बहुत कम क्षारीय हो जाता। तो एनिलीन सबसे कम क्षारीय है इन चारों के चारों कंपाउंड में। ध्यान देना, एनिलीन से ज्यादा क्षारीय अमोनिया होता है बेचारा, अमोनिया से ज्यादा क्षारीय 3 डिग्री होता है, 3 डिग्री से ज्यादा क्षारीय 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री से ज्यादा क्षारीय 2 डिग्री होता है। भाई जब थ्योरी पढ़ोगे तो समझ में आएगा ना इस चीज को। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे अधिक क्षारीय 2 डिग्री एमीन होता है। चलिए साहब मैं नया क्वेश्चन लेता हूँ। एल्किल नाइट्राइड एस्टर है, तो ये बिल्कुल क्लियर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसका। एक बार दिमाग से आप खुद सोच लो कि सर इसका राइट आंसर ये वाला होगा और आप बता भी दोगे, यू आर वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, ऐसा मान लो। अरे स्टूडेंट्स हैं आप लोग यार, पढ़ते बहुत हैं, समझते बहुत हैं, हमसे ज़्यादा आप में पढ़ने की क्षमता है इस टाइम, हमसे ज़्यादा आप में समझने की क्षमता है इस टाइम, ठीक है। बताओ ज़रा, एक बार दिमाग लगाओ ज़रा, क्या आंसर होना चाहिए इसका बेटा? सोच लिया? पक्का बता दूं? ठीक है, नाइट्राइट का, हाइड्रोजन नाइट्राइट मतलब नाइट्रस अम्ल इसका होता है, एल्किल नाइट्रो लग भी रहा है यार, ये मेरे पास इनमें से कोई नहीं, ये मेरे पास नाइट्रेट है, हाइड्रोजन नाइट्रेट है, एमिनो अम्ल का तो इम्पॉसिबल लग रहा है, तो नाइट्राइड मतलब हाइड्रोजन नाइट्राइड, तो इसी का क्या है, एल्किल नाइट्राइड एस्टर किसका होता है? हाइड्रोजन नाइट्राइड का, यानी कि नाइट्रस अम्ल का। चलिए साहब, ट्राइमेथिलेमीन है। ओ माय गॉड यार, ये तो बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन रखा है और पेपर में भी ऐसे क्वेश्चन रखेगा आपसे, आपके लिए वो ये बस सोचना कि यार क्वेश्चन बड़े पहाड़ रखे हैं, ये क्वेश्चन हमने ना पढ़ा है यार, ये इनका कैसे तुक्का लगा कहा है, कैसे समझ कहा है चीज को। बिल्कुल यही 20 MCQ पढ़ने हैं यार आपको और आपकी यूनिट बिल्कुल फिनिश, डरो मत, घबराओ मत। तो ट्राईमेथिलेमीन है, ट्राईमेथिलेमीन है, कुछ को तो यही पता ना होगा ट्राईमेथिलेमीन है क्या। तो ट्राईमेथिलेमीन मेरे पास क्या है बेटा? ये है, ठीक है, 3 डिग्री एमीन होता है ये, 2 डिग्री डाइमेथिलेमीन, 1 डिग्री मेथिलेमीन, तो कितना मेरे पास 3 डिग्री एमीन जो है वो क्या है मेरे पास? ट्राई मेथिलेमीन है। चाहे आ जाए ट्राई एथिलेमीन आ जाए या R3N आ जाए, R3N आ जाए, तो घबराना मत, सबके सब ट्राई मेथिल हो जाएंगे, सबके सब ट्राई एल्किल एमीन है। कहने का मतलब ये है कि सबके सब 3 डिग्री एमीन है, ठीक है। चलिए साहब, इसका राइट आंसर कौन सा हमारे पास? ये वाला। अब नाइट्रोबेंजीन के लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के 7 अपचयन से प्राप्त होता, तो पहला बेटा मैं बता दूं तुम्हें, देखो नाइट्रोबेंजीन का जो अपचयन होता है वो 3 मीडियम में होता है। पहला होता है एसिडिक मीडियम में, दूसरा होता है बेसिक मीडियम में, तीसरा होता है न्यूट्रल मीडियम में, और हर एक मीडियम में रिडक्शन करवाने पर अलग अलग कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। आप मानो तो BSc 6 सेमेस्टर पेपर फर्स्ट प्लेलिस्ट में जाना आप, ठीक है, और वहां जाके इस लेक्चर को आप देख लेना क्योंकि एक मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो अगर आपने इस टॉपिक को एक बार पढ़ लिया ना थ्योरी वाइज, तो इस टॉपिक के सारे जितने भी MCQ आएंगे आप कर दोगे, ठीक है। तो नाइट्रोबेंजीन के लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के 7 अपचयन से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? एजोक्सीबेंजीन प्राप्त होता है, मुझे तो नहीं लग रहा,
एजोबेंजीन प्राप्त हो रहा है, ये भी मुझे नहीं लग रहा। डाई एजोबेंजीन, ट्राई हाइड्रोबेंजीन, अब भैया चार ऑप्शन है और चारों के चारों आपको सही लग रहे होंगे। अब एक राइट आंसर है, आप खुद से ढूंढो कौन सा राइट आंसर होगा इनमें से, मुझे नहीं पता है। मान लो मुझे पता ही नहीं है ऐसा मान लो, चलो आप दिमाग लगाओ जरा एक बार, क्यों क्वेश्चन लिखा हुआ है सामने बोर्ड पे, बताओ जरा, क्योंकि पढ़ा हुआ है आपका तो आप बता दोगे। एजोबेंजीन, ठीक है। तो नाइट्रोबेंजीन के लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ अपचयन से प्राप्त होता है एजोबेंजीन, हमेशा याद कर लो ठीक से, ठीक है। चलिए साहब, निम्न में से कौन सा यौगिक कार्बिल एमीन परीक्षण देता है? तीन कंपाउंड, देखो 2° एमीन कभी कार्बिल एमीन परीक्षण नहीं देता, 3° एमीन कभी कार्बिल एमीन परीक्षण नहीं देता, इनमें से कोई नहीं का तो कोई चांस ही नहीं है। लेकिन ये जो मैथिल एमीन है ना मेरा दोस्त, ये जो मैथिल एमीन है, मैथिल एमीन प्राइमरी एमीन होता है, और प्राइमरी एमीन जितने भी होते हैं क्लोरोफॉर्म के कुछ बूंदों के साथ एल्कोहलिक के ओएच की उपस्थिति में जब आप गर्म करोगे थोड़ा सा तो तीव्र दुर्गंध युक्त तो आइसोसाइनाइड बनता है, और इसी अभिक्रिया को आप कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हो। और ये जो कार्बिल एमीन अभिक्रिया होती है ओनली 1° एमीन देते हैं, 2° एमीन और 3° एमीन का कार्बिल एमीन अभिक्रिया से कोई लेने देना नहीं होता, ठीक है। चलिए साहब नेक्स्ट देखते हैं, 1° 2° एंड 3° की क्षारकता का बढ़ता क्रम निम्न प्रकार है, बढ़ता क्रम निम्न प्रकार है, जरा बेटा बताओ, बढ़ता क्रम निम्न प्रकार है। अरे यार बढ़ता क्रम निम्न प्रकार है, वाई गॉड, ये तो बड़ा क्वेश्चन गड़बड़ है, इसमें तो कोई मिल ही नहीं रहा, इसमें नहीं मिल रहा बेटे कोई भी। बढ़ता क्रम निम्न प्रकार है, तो बढ़ते की जगह हम पता क्या करेंगे यहाँ, बढ़ते की जगह घटता लिखेंगे हम, ठीक है। घटता क्रम किस प्रकार है, गलत हो गया क्वेश्चन ये हमारा। 1° 2° तथा 3° की क्षारकता के घटता क्रम निम्न प्रकार है, किस प्रकार है, तो सबसे ज्यादा क्षारीय मेरे पास कौन सा होता है, 2° होता है, उससे कम कौन सा होता है, 1° होता है, उससे कम कौन सा होता है मेरे पास, 3° होता है, 3° से कम कौन सा होता है, अमोनिया होता है, अमोनिया से कम एनिलीन होता है, जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो ये वाला जो क्रम होता है वो क्षारकता का मेरे पास घटता क्रम है, नोट बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है, क्वेश्चन हमारा गलत हो गया। चलिए साहब आगे देखते हैं, एथिल एमीन नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करके बनाता है, पता होना चाहिए, जब भी कोई भी प्राइमरी एमीन नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करता है तो हमेशा एल्किल एल्कोहल बनाता है, कोई रोक नहीं सकता इसको, ये बना के छोड़ता है, बोला मैं हूं और बना के ही रहूंगा, एथिल एल्कोहल बनता है, ठीक है। तो एथिल एमीन नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करके एथिल एल्कोहल बनाता है, राइट आंसर है। चलिए साहब, कार्बिल एमीन अभिक्रिया देता है, इन तीनों कंपाउंड में से ढूंढो, यानी कि दोनों में से क्या क्लोरोफॉर्म कार्बिल एमीन अभिक्रिया देता है, राइट सर, कार्बिल एमीन अभिक्रिया देता है, क्यों नहीं देता, क्लोरोफॉर्म के बिना तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया अधूरी है, कभी हो ही नहीं सकती। क्लोरोफॉर्म जो होता है ना, यानी कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया में प्राइमरी एमीन चाहिए, क्लोरोफॉर्म चाहिए और एल्कोहलिक केओएच चाहिए, और थोड़ा सा हीट कर दो बस बन गया आपके पास आइसोसाइनाइड। तो भैया क्लोरोफॉर्म और मैथिल एमीन, ये प्राइमरी एमीन है, ये क्लोरोफॉर्म है, तो दोनों के दोनों चाहिए होते हैं हमें, ठीक है। हमारा जो राइट आंसर है वो सी नंबर है, नोट इनमें से कोई नहीं, ठीक है। हमारा जो राइट आंसर है बेटे कौन सा, वो सी नंबर है, कौन सा नंबर, 8 का कौन सा आंसर है मेरे पास, ए और बी दोनों, ठीक है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया देता है, ए और बी दोनों कंपाउंड क्या करते हैं, हमारे कार्बिल एमीन अभिक्रिया देते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे पास, 8 क्वेश्चन हो गए। तो यार इनकी थोड़ी थोड़ी थ्योरी पढ़ लेना, जितनी ज़्यादा थ्योरी पढ़ोगे ना उतने ज़्यादा एमसीक्यू आप हल कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि एमसी का कोई भरोसा नहीं, कहाँ से पूछ ले। लेकिन ये 20 MCQ हैं, यही पेपर में आएंगे, इससे हटकर कुछ नहीं। चलिए साहब यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले, इसके बाद देखते हैं। चलिए साहब होगा यहाँ तक 8 क्वेश्चन, अब नवा क्वेश्चन देख लेते हैं, देखो जरा ध्यान से। तो नवा क्वेश्चन है, हिंसबर्ग अभिकर्मक का उपयोग निम्न के परीक्षण में किया जाता है, एल्डिहाइड के परीक्षण में किया जाता है, या कीटोन के परीक्षण में किया जाता है, या एक एमीन के परीक्षण में किया जाता है, या एल्काइन के परीक्षण में किया जाता है। आपके दिनेश के मॉडल पेपर में यही ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो जो हिंसबर्ग अभिकर्मक है वो एक ऐसा अभिकर्मक है जो 1° 2° और 3° एमीन की पहचान करवाता है कि यार ये 1° एमीन है, या फिर ये 2° एमीन है, या फिर ये 3° एमीन है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, कभी कभी इसका फॉर्मूला भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि यार हिंसबर्ग अभिकर्मक का सूत्र बताओ, क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड C6H5SO2Cl। तो थ्योरी पढ़ने का बड़ा मज़ा आता है, लेकिन इस बार सेमेस्टर वाइज आपके एग्जाम होने वाले हैं तो थ्योरी पढ़ने का आपको मौका नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत पढ़ लेना यार। तो हिंसबर्ग अभिकर्मक का उपयोग निम्न के परीक्षण में किया जाता है, अब बताओ, एल्डिहाइड के, कीटोन के, या फिर एमीन के, या फिर एल्काइन के। इसमें ये एक एमीन ऑप्शन है, पता नहीं एक क्यों बोला ऑप्शन में, एमीन खाली आना चाहिए था ऑप्शन। जरा बताओ बेटे कि हिंसबर्ग अभिकर्मक का उपयोग निम्न के परीक्षण में किया जाता है, एल्डिहाइड के, कीटोन के, या एल्काइन के, या फिर एमीन के। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है, एमीन के, ठीक है, फिक्स याद कर लो, एमीन के, ठीक है। चलिए साहब, नाइट्रेशन मिश्रण में नाइट्रेशन स्पीसीज होगी, आपने पढ़ रखा, आप बेंजीन का नाइट्रेशन करवा दो, क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन करवा दो, नाइट्रोबेंजीन का करवा दो,
अजी कोई सा भी आप नाइट्रेशन करवाते हो किसी भी चीज का, तो एक अभिकर्मक यूज होता है, और वो कौन सा होता है? Na2+। और ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक होता है या फिर इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट होता है? तो बेटा ये इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट है, क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखेगा, और सभी इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर लाइन पे ध्यान देना। चलिए साहब, जब भी आप नाइट्रोबेंजीन का अम्लीय माध्यम में अपचयन करते हो, जब आप नाइट्रोबेंजीन का अम्लीय माध्यम में अपचयन करते हो, तो उपरोक्त अभिक्रिया में एक्स है। बताओ जरा बेटे, उपरोक्त अभिक्रिया में एक्स क्या है? उपरोक्त अभिक्रिया में एक्स क्या चीज है? तो भैया जब भी आप नाइट्रोबेंजीन का, ठीक है, अपचयन करते हो एसिडिक मीडियम में, तो हमेशा बनता है एनिलीन, यानी कि NO2 ग्रुप जो होता है वो NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। अरे यार इतनी छोटी बात है भाई, इतनी छोटी बात तो हमें सर ऐसी बता देते, हम ऐसी बताते देख के। तो NO2 ग्रुप जो है वो NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। ये नाइट्रोबेंजीन का अपचयन है एसिडिक मीडियम में, इसलिए बोल रहा हूँ कि नाइट्रोबेंजीन का अपचयन एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम है, न्यूट्रल मीडियम है, पढ़ लो, क्योंकि इससे एक ना एक MCQ पक्का फंसा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए साहब नया क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बताओ बेटे जरा, यूरिया को जब 130 डिग्री सेल्सियस ताप पर आप गर्म करोगे तो क्या बनेगा? ध्यान देना बेटे, वायु रेट बनेगा। बहुत बार पेपर में पूछा गया है ये, तो वायु रेट, यूरिया को जब आप 130 डिग्री सेल्सियस ताप पर हीट करते हो तो वायु रेट बनता है। चलिए साहब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आ गया हमारा, डाई एजोनियम लवण फॉर्मूला बताओ जरा क्या होता है डाई एजोनियम लवण का। ये क्वेश्चन तुम्हारे मैं पक्के करवा रहा हूँ, तुम्हारे दिमाग में जबरदस्ती फांस रहा हूँ, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा याद कर सको इन चीजों को, और जितना याद करोगे, जितना इन क्वेश्चन को रहोगे, इतना फायदा होगा। ठीक है, अरे कुछ क्वेश्चन तो हो सकता है कि कॉलेज वाले आपको बता दें, बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जिनमें 40-40 क्वेश्चन बता देते हैं, समझ गए? तो बताओ जरा, डाई एजोनियम लवण बनाने में मुख्य रूप से तापमान होता है कितना होता है? तो डाई एजोनियम लवण के हम सूत्र पे थे, तो C6H5N2Cl, N2 इज ए वेस्ट लिविंग ग्रुप, तो C6H5N2Cl क्या है? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है थ्योरी वाइज में। तो डाई एजोनियम लवण बनाने में मुख्य रूप से तापमान होता है, जब भी आप एनिलीन की क्रिया Na2+HCl मिक्सचर के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर हीट करवाते हो, तो हमेशा हमेशा आपका क्या बनता है बेटा? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनता है। इस अभिक्रिया को हम डाई एजोटीकरण कहते हैं। मजा आता है थ्योरी पढ़ने में भाई। तो ये हमारा राइट आंसर होगा, क्या 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप जो है वो इस रिएक्शन के लिए काफी होता है। ये मत सोचना कि अधिकांश बच्चे पता क्या कर आएंगे, या तो ये वाला ठोक आएंगे या ये वाला ठोक आएंगे, इस पे ध्यान जागा नहीं करे यार, ये तो बड़ा कम टेम्परेचर है, ये कैसे होगा? तो बस थोड़ा सा हीट किया जाता है, हल्का सा। ठीक है, चलो साहब, निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा अधिक क्षारीय है? बता दिया मैंने, सबसे अधिक क्षारीय 2 डिग्री एमीन होता है, ध्यान देना, 2 डिग्री एमीन सबसे अधिक क्षारीय होता है, उसके बाद में 1 डिग्री एमीन आता है, उसके बाद में 3 डिग्री एमीन आता है, और उसके बाद में जो है बेटा हमारा कौन सा आता है, उसके बाद में अमोनिया आता है, फिर आता है हमारा एनिलीन। तो अभी इसका राइट आंसर देख के बताओ क्या होगा? आपको लग रहा होगा ये, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे जो राइट आंसर इसको क्लिक करके आएंगे, ना माने आप देख लेना, जबकि होता नहीं है, इसका नाम है एनिलीन। एनिलीन तो बेचारा सबसे कम क्षारीय होता है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा है? 2 डिग्री एमीन, यानी कि डाईमेथिल एमीन इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए साहब, कौन सा एमीन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है? अरे कौन सा एमीन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है? तो हमारे पास एक ही एमीन है, और वो है CH3 का, यानी कि R3N, क्योंकि उसके पास एच होता नहीं है, तो तृतीयक एमीन जो है ना 3 डिग्री एमीन, वो कभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता। ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है यार ये, है ज्यादा डिफिकल्ट लग रहे हैं आप लोगों को, बिल्कुल 2 रुपए के इजी से भी पर क्वेश्चन इजी। अब बताओ कहाँ डिफिकल्ट है यार, कोई चीज डिफिकल्ट नहीं होती, बस पढ़ने वाले की बात होती है। तो कौन सा एमीन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है? तो 3 डिग्री एमीन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि नाइट्रोजन एटम के पास हाइड्रोजन होता ही नहीं है। ठीक है, 3 डिग्री एमीन में गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया द्वारा बनाया था। भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मत छोड़ना, क्योंकि ये गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया द्वारा कभी भी हम एरोमेटिक एमीन नहीं बना सकते हैं। ये लाइन पे ध्यान देना, जब भी बनाओगे आप प्राइमरी एलिफेटिक एमीन बनाओगे। अब एलिफेटिक एमीन मैथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल एमीन, मैथिल एमीन एथिल एमीन प्रोपिल एमीन ब्यूटिल एमीन पेंटिल एमीन हेक्सिल एमीन, एरोमेटिक एमीन बेंजीन एमीन वगैरह होती है, वो आप नहीं बना सकते हो। ध्यान देना, गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण द्वारा कभी भी आप एरोमेटिक एमीन नहीं बना सकते, सिर्फ बनाते हो तो एलिफेटिक एमीन, वो भी कौन सा? 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन, प्राथमिक एलिफेटिक एमीन बनाते हो आप। तो ये वाला राइट आंसर है हमारा बेटा इसका, ध्यान देना, 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन बनता है ओनली किसके द्वारा? गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण के द्वारा। ठीक है, इसको गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण भी कहते हैं। बताओ यार कहाँ कहाँ हार्ड है क्वेश्चन, ये वाले डिफिकल्ट लग रहे हैं, बिल्कुल बच्चे वाले क्वेश्चन है नन्हे मुन्ने। ठीक है, लेकिन मैंने समझा दिए इनको, अगर यही क्वेश्चन आप मॉडल से पढ़ोगे ना भाई, गॉड बड़े हार्ड से लगने वाले हैं। क्यों? क्योंकि एकदम से दिमाग में नहीं फंसने वाले हैं।
आप किसी चीज को बार बार पढ़ते रहते हो ना, तो वो आपके दिमाग में सेट हो जाती है, उसके शब्द आपके दिमाग में सेट हो जाते हैं। लेकिन आप अगर किसी चीज को पहली बार देखते हो ना, पहली बार पढ़ते हो, तो उसको समझना बहुत भारी पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो आपके माइंड में है ही नहीं। अगर आपने उसको एक बार याद कर लिया तो दूसरी तीसरी बार उसको रिपीट करने पर वो आसानी से आपको आ जाएगी। चलिए साहब, यहाँ तक का स्क्रीन शॉट ले लें, ठीक है? इसके बाद कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, वो करवाता हूँ। चलिए साहब, होगा यहाँ तक 16 क्वेश्चन। अब पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। देखो, इस यूनिट के जो एमसीक्यू हैं वो दूसरे यूनिट की अपेक्षा बहुत इजी हैं। जानते हो क्यों? इजी नहीं है, लग इजी रहे हैं, क्योंकि आपने 12th क्लास में इस यूनिट को, यानी कि इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ रखा है, और जो चीज़ आपके माइंड में सेव है ना, उस चीज़ को दोबारा पढ़ने का मज़ा ही अलग आता है। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं। निम्न में से तृतीयक नाइट्रो एल्केन है, ढूंढो इसका राइट आंसर, ढूंढो। मैं भूल गया, मुझे नहीं पता, लेकिन आपको पता है और आप समझ भी गए कौन सा होगा। कौन सा है? ये वाला सी नंबर है बेटा हमारा। इसका निम्न में से तृतीयक नाइट्रो एल्केन है, ठीक है? आर 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 सी एन ओ टू हो जाएगा कंप्लीट यार। चलिए साहब, देखते हैं आगे। पितृकम्ल, अरे भैया पितृकम्ल आ गया, 246 ट्राई नाइट्रो फिनोल, कहीं है 246 ट्राई नाइट्रो फिनोल, यह है तो यही हमारा इसका राइट आंसर है। इसको हम पिक्रिक एसिड कहते हैं, ध्यान देना, 246 ट्राई नाइट्रो फिनोल। अब ये एक ऐसा कंपाउंड है जिनमें कोई भी सी डबल ओ एच ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता, और शायद पिछली यूनिट में भी मैंने इसका क्वेश्चन लिया था। पीले रंग का होता है, लेकिन इसमें नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होता है, और होता भी ये एसिड है। इसकी इसका जो नेचर होता है ना, वो एसिडिक होता, तो ये फिनोल से बनता है। ध्यान देना बेटा, जब फिनोल की क्रिया आप नाइट्रिक अम्ल के साथ, सोडियम नाइट्रिक अम्ल के साथ, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करोगे फिनोल को, तब जाके हमारा 246 ट्राई नाइट्रो फिनोल बनेगा, ठीक है? पता है ना चीज़ के बारे में? अरे पता, बतरे इंटेलिजेंट है आप लोग। तो एमीन्स बिहेव करता है क्या? लुइस एसिड के समान करता है, क्या लुइस बेस के समान करता है, या लुइस लुइस या फिर उदासीन होता है, या उच्च धर्मी होते हैं ये, उच्च धर्मी यौगिक के भांति बिहेव करता है, जरा बताओ। देखो, जितने भी तुम्हारे पास एमीन होते हैं, नाइट्रोजन एटम पर एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, और जो कंपाउंड लोन पेयर डोनेट करते हैं वो सब बेस होते हैं, और जो कंपाउंड लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं वो सब एसिड होते हैं, अकॉर्डिंग टू द लुइस। लुइस ने बताया था ये, ठीक है? तो नाइट्रोजन एटम लोन पेयर बाहर निकालता है, इसलिए ये एक बेस की भांति बिहेव करते हैं। इसका मतलब ये लुइस क्षार के समान बिहेव करते हैं। जितने भी एमीन होते हैं सबके सब लुइस क्षार के समान बिहेव करते हैं। चलिए साहब, आगे देखते हैं। 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन में विभेद किया जाता, ऐसा कौन सा अभिकर्मक है जो 1 डिग्री 2 डिग्री एमीन में विभेद कर देगा? जरा बताओ बेटा, ऐसा कौन सा अभिकर्मक होगा जो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन में विभेद कर देगा? तो एक ही अभिकर्मक इसमें होते तो बहुत हैं। हिंसवर्ग अभिकर्मक है आपका, कार्बिल एमीन अभिक्रिया भी कर देती है, HNO2 भी कर देता है, हाफमैन अभिक्रिया भी कर देती है, लेकिन यहाँ जो राइट है ना, राइट आंसर वो बेटे मेरे पास ये है HNO2 द्वारा, ठीक है? नाइट्रस अम्ल जो होता है वो 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन में डिफरेंट पक्का कर देता है, ठीक है? चलिए साहब, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ये चार क्वेश्चन मैंने फालतू लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना है तो थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लो, ऐसा पढ़ लो कि डाउट ना लगेगा यार ये क्वेश्चन मैंने ना पढ़ा। चलिए साहब, अभिक्रिया CH3CN+4H सोडियम बाई एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में जब बनेगा एथिल एमीन हमारा, तो बताइए जरा इस अभिक्रिया का नाम क्या है? पर्सनल, जरा बताओ बेटे। ए ये वाला है सबेतियर अभिक्रिया, ठीक है? सबेतियर अभिक्रिया, ठीक है? लाइन पे ध्यान देना बेटे, सबेतियर अभिक्रिया, पहली बार नाम सुनने में आ रहा होगा ये। एमीन में नाइट्रोजन एटम का संकरण होता है, बताओ जरा। एमीन में नाइट्रोजन एटम सभी सिंगल बॉन्डेड होते हैं, और जहाँ सिंगल बॉन्डेड होता है बेटे, वहाँ पे क्या है मेरे पास? हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, वो sp3 होता है, ध्यान देना। जरूरी नहीं कि नाइट्रोजन एटम जहाँ हो वहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, sp2 भी पाया जाता है एमीन में। तो क्वेश्चन नंबर 22, एमीन में नाइट्रोजन एटम की संकरण अवस्था, जल्दी बताओ बेटे, sp3 होती है। लाइन पे ध्यान देना बेटे, एमीन में जितना भी नाइट्रोजन एटम मिलेगा आपको, जहाँ भी नाइट्रोजन एटम मिलेगा वो संकरण कौन सा होगा? उसके पास sp3 होगा। चलिए सर, जल्दी जल्दी करवाता हूँ, ये तो क्वेश्चन हो रहे हैं। 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन में विभेद किया जाता, तो अपना हिंसबर्ग अभिकर्मक है, ये रट लेना बेटा, बहुत जरूरी क्वेश्चन है। हिंसबर्ग अभिकर्मक 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन में डिफरेंट कर देता है, पक्का श्योर। डाइएजोनियम लवण का सामान्य सूत्र है, बताओ जल्दी देख के बताओ, डाइएजोनियम लवण का सामान्य सूत्र कौन सा होगा? सबको याद है, बहुत जमाने से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, RN2X होता है, ठीक है? RN2X होता, क्या होता है? RN2X होता, और बेंजीन डाइएथेनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? C6H5N2X। ऐसे ऐसे भी MCQ आपके मॉडल में दे रखे हैं, और यार एक बार ध्यान देना जरा, जब पढ़ो ना मॉडल पेपर को, तो एक एक क्वेश्चन कई कई बार रिपीट है,
एक एक क्वेश्चन कई कई बार रिपीट होगा, उसमें ना माने आप मॉडल को उठा के देख लेना। तो मेरे पास कुल कितने क्वेश्चन हो गए, 24 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो ये 24 क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो इस साल पेपर में आने वाले हैं, मोस्टली इंपॉर्टेंट। और आई होप कि ये क्वेश्चन सबके सब आपके दिमाग में फंस गए होंगे, सबके सब आप समझ गए होंगे। अब तुम्हें लग तो ईजी रहे होंगे, लेकिन रियलिटी में डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन आपने ऑलरेडी इस चीज़ को पढ़ रखा है, इसी वजह से आज ये क्वेश्चन आपको ईजी लग रहे हैं, ठीक है। पढ़ी हुई चीज़ दोबारा पढ़ोगे तो इजी लगती है। चलिए साहब, यहाँ तक का स्क्रीन शॉट लें, अब ऐसी मिलते हैं आपको नए क्वेश्चन के साथ नई वीडियो में। थैंक्स।